जीवन है, इसी को ऐसे ही जीना पड़ता है। मजे मस्ती के दिन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, मालूम नहीं पड़ते हैं, और फिर वही रूटीन में लौट आओ। तो मेहंदी का कलर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डार्क हुआ था, पर कुछ खास आया नहीं। मेरी मम्मी ने दो प्लांट दिए थे, वो मैंने लगा दिए हैं। तो एक ये दिया है गेंदा, गुड़हल है, और ये दूसरा, ये भी, और एक गुड़हल मैंने इसमें लगाया। देखते हैं क्या होता है, लगता है कि नहीं लगता है। ये बन गई है, आलू है इसमें, परवल है, कांदा डाला है थोड़ी गोभी बड़ी भी, ये बन रहा है सिर्फ आलू कांदा। कौन तो गर्मा गर्म चाय रेडी है, और मैंने ये रात के राइस बच गए थे तो वही मैंने आज ब्रेकफास्ट साथ में गर्मा गर्म चाय है। मेरे हस्बैंड ने बहुत सारे वेजिटेबल्स मंगाए थे, चलो मैं बाद में दिखाती हूँ आपको। कंट्री राइस से मंगाए थे, काफ़ी अच्छे वेजिटेबल्स आए हैं। तो ये देखो बेचारे दो बच्चे रोगा के तैयार हो गए हैं। मेरी रंगोली अभी भी ऐसी है, तो क्लीन करेंगे। तो ये दोनों बच्चे जाने को तैयार नहीं है। प्रियांग, आपको कैसा लग रहा है आफ्टर 11 डेज स्कूल वापस जा रहे हैं आप? अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा, क्यों? पता नहीं, बहुत अच्छा नहीं। इसको नानी के घर की याद आ रही है ना? हाँ। वेरी सैड। तुमको? मुझे नानी घर की याद आ रही है। नानी घर की याद आ रही है, क्योंकि प्रथम मिट्टी है वो, जो खेलते रहे। नानी घर की याद आ रही है, और मैं स्कूल भी जा रहा हूँ। ओह माय गॉड। स्कूल जाने का शौक नहीं है। इसको शौक नहीं है, उसको शौक है, वो कह रहा है जा सकते हैं। अभी तो बोले दिख रहे हैं ऐसे ही मजाक करती है सुबह से। ऐसा मजाक आ गई। अरे बाप रे। हाँ तो क्या कह रहे थे आप? कुछ नहीं, वहाँ पे रोज खेलता रहता था, मजा आता था। यहाँ पे तो कुछ, यहाँ पे बेचारे को स्कूल जाना पड़ता है, इतनी बड़ी जगह है पीतरी पे, वहाँ पे खेलना पड़ता है। अरे पर भाई बहन के साथ मजा आता है ना। ओ माय गॉड, इमोशनल टच। तो भाई बहन के साथ मजा आता है, भाई बहन के साथ। और मामा घुमाने ले जाते थे, है ना? और रीति को मामी आश्रम ले जाती थी ना, और नानी और गार्डन लेके जाती है, और नाना नानी लेके जाती थी, और बिट्टी दीदी खाना नहीं, बिट्टी दीदी से खेलती रहती थी, प्रथम भैया के साथ खेलती रहती थी ना। बेचारे बच्चे बहुत दुखी हैं, और मैं भी दुखी हूँ। तो चलो चलते हैं, वापस से आ गए हैं हमारे समृद्धि में। और ये हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, यही अब हैं हमारे यहाँ पे। देखो ये क्या चल रहा है, बड़ा प्यारा सा मौसम है, ठंडी ठंडी सी हवा। फायर चल रहा है, फायर चल रहा है। चुप रहो। इसमें पिंक कलर के कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स। वाओ, रीति को ग्रास खिलाना है काऊ को। चलो ग्रास ले लो यहाँ से और खिला दो। अंकल ग्रास तो ये मेरे गांग ने ले ली है, ये रीति ने ले ली है। चलो जाओ उनको खिला दे। पूरी एक बार मत खिला, खिलाओ ठीक से।
पैर छो पैर छो, पीछे से पैर छो, कुछ नहीं करेंगे। बच गया बच गया। बुआ लेके चलो, बुआ लेके चलो, नहीं करेंगे कुछ, नहीं करेंगे, पीछे छो जाके, जा जल्दी जाओ। अरे बुआ लेके गाय कुत्ती कर ली। इतना टाइम पास नहीं कर सकते भाई साहब। कोई बात नहीं, रीति डर गई है, वो नहीं छुप पा रही, कोई बात। ये देखो आई है बेचारी, बहुत देर से मेरा इंतजार कर रही है, अब जाके वहाँ क्यों बैठ गई। चलो चलो आओ। इसको हंसी आ रही है बेचारी का, मैं ब्लॉग बना देती हूँ तो ये हंस देती है। पिकाचू पिका पिका पिकाचू, ये मेरे को निकालना है, जब देखो तब दरवाजे के बीच में अटकता रहता है। मुझे फोटो निकालना था, भूल जाते हैं। किसमें? इसमें तो निकालती क्यों नहीं, कौन मना करता तुमको। सुना सुना लग रहा था, कह रही है सुना सुना लग रहा था मेरे बिना, बिचारी को सुना सुना लग रहा था। तो ये जैसा कि मैंने बताया था पतिदेव ने, ये मैंने गाय माता के लिए निकाल के रखा था पर मैं ले जाना भूल गई। तो जैसा कि मैंने बताया था, एक मिनट हाँ, अभी मैं दिवाली में इतनी साफ सफाई करके गई हूँ पर देखो डाइनिंग टेबल इतना गंदा हुआ है कि पूछो नहीं। ऐसे लग रहा है जैसे दो चार साल से साफ सफाई नहीं की है मैंने। ये देखो अभी मैं डाइनिंग टेबल पोछने बैठी हूँ, पूरा रगड़ रगड़ के। थोड़ा सा भी गंदा होता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए बच्चों को छोड़ के आ गई हूँ। अब बच्चों को छोड़ के आई हूँ, अब डाइनिंग टेबल साफ कर रही हूँ। डाइनिंग टेबल क्या, पूरा घर गंदा हो गया। ये देखो ये बॉटल भी कितनी गंदी हो गई है। देखो तुमसे नहीं बोल रही हूँ, उसके बाद भी इतनी इतना बनाया, मतलब मुझे अच्छा लगता है इसलिए बनाया। बैठा मायके में, अच्छा दो दिन में बढ़िया है। मैं तो पहले 15-15, 20-20 दिन के लिए जाती थी और अब दो दिन में लौटा हूँ मैं। वाह वाह, हाँ क्या, कितने साल के गया, मतलब इससे पहले भी गया था क्या? हाँ हर साल जाती हूँ मैं, साल में दो बार, दिवाली और गर्मी की छुट्टी। वो गांव नहीं है, आई बड़ी गर्मी में गए, ठंडा रहता, बम्बई आए, वो भी बम्बई ही है। तो तेरी तुम्हारी चाची और क्या, वो महाराष्ट्र के अंदर ही आता है, कोई बाहर थोड़ी आता है। तो ये हो गया है डाइनिंग टेबल, इतना गंदा हुआ है कि पूछो मत, ऐसा लग रहा है 50-60 साल से बाहर चली गई थी। एक्चुअली हम लोग कंट्री डिलाइट का ही दूध मंगाते हैं, तो मैं आने वाली थी तो इन्होंने फिर बोला कि सब्जी मंगा लेता हूँ, तो इन्होंने अपने आप ही सब्जी मंगाई, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, देखते हैं कैसी सब्जी है। साइड लाइट का थोड़ा सा थोड़ा सा ऐसे आ जाते हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से पैकिंग करके दिया है उन्होंने। ये हरी मिर्ची बहुत फ्रेश, बहुत ही फ्रेश। गाजर है, ये गाजर, सारी चीजें पैक होके आई हैं। ये देखिए देसी टमाटर आए हैं, एकदम देसी टमाटर हैं ये।
कद्दू भी ठीक ही है, फ्रेश लग रहा है थोड़ा, मुझे एक्चुअली सूखा लग रहा है, पता नहीं कद्दू क्यों मंगा लिया। धनिया देखो कितने अच्छे से पैक करके दिया है, शिमला मिर्च, काफी सारी सब्जियां मंगा ली हैं, फूल गोभी, और ये अपने नॉर्मल वाले टमाटर हैं। ये है ककड़ी, कुकुम्बर, ये मंगा ली है मौसम्बी, क्योंकि कह रहे हैं कि अब मॉर्निंग में रूटीन थोड़ा सा चेंज करना है, मॉर्निंग में इनको जूस और ये फ्रूट्स चाहिए, मतलब ब्रेकफास्ट में, तो एप्पल हैं साथ में। ये है अनियन, ये पोटैटो, ये एक और पोटैटो, ये आ गए हैं नींबू, और एक और एप्पल, ये है भिंडी, भिंडी भी काफी फ्रेश लग रही है, इतनी भी फ्रेश नहीं है एक्चुअली, मार्केट में जाके लेंगे तो ज्यादा बेटर है, मुझे तो मार्केट का ही ठीक लगता है। ये है लौकी, और ये है आलू, और ये हो गया खत्म। इतनी सारी भाजियां मंगा ली हैं। अभी मैंने डाइनिंग टेबल क्लीन किया था, फिर से गंदा हो जाएगा, फिर से क्लीन करना पड़ेगा। तो कल अचानक से मेरी बुआ हैं, ये एक्चुअली ये मुंबई घूमने आई थी, तो अचानक से उन्होंने विजिट कर लिया, ये रहती तो लखनऊ में है पर ये लोग मुंबई का ट्रिप करने आए थे, जैसे कि नासिक वासिक सब जगह गए थे, तो अचानक से वो आ गई, उन्होंने सरप्राइज दे दिया, मैं तो एकदम शौक हो गई, फिर मैं उनको टेरिस पे लेके गई, उनको देखना था तो मैंने घूम घूम के सब दिखाया, मैंने बोला चलो मैं आपका एक वीडियो भी अच्छा सा बना देती हूँ, वो कह रही थी बार बार अरे तुम आ जाओ वीडियो में, तुम फोटो में आ जाओ, मैंने नहीं कोई बात नहीं आपका बना लेती हूँ पहले, मैं तो रोज ही खींचती रहती हूँ वीडियो है, कोई वो थोड़ी है कि कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे ना ये वाले, देखते हुए एक बार खींचो, हाँ फोटो खींच दो, तुम्हारी संग कैसे आएगी बड़ी, वो मैं लूंगी, अरे तो क्या हो गया नहीं अच्छी, एक बार पता है आप यहाँ पे आइए यहाँ पे, कितने ये फ्लावर्स कितने प्यारे हैं ना, यहाँ पे आपको ऐसा ही बना दूँगी, दिखा दूँगी पूरा, ये सब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ना वो रहते हैं व्लॉगर, इंस्टाग्राम रील्स के उनके 9-9, 10-10 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं, एक मुस्कान शर्मा करके है, वो रहती है, बात करती नहीं, मैं नहीं बात करती, यहाँ पे सब अपने एटीट्यूड में है, तुम धन्ना सेठ तो कहाँ, हम भिखारी हैं, मैं धन्ना सेठ हूँ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, मेंटेन करके बनाया, ये जो गार्डन है ये कॉन्ट्रैक्ट पे रहता है, एक फोटो खींच देती हूँ, सुन लो बैठिए, नहीं आप लोग चाहिए, समझा भाभी, फोटो 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 पानी पी तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।